बेटा रेहान, सहरी का वक्त हो गया बेटा, उठो बेटा, रोजा रखना है आपको। जी अब्बू। आओ बेटा। अब्बू पानी बस, खाने को कुछ नहीं है। खाने के लिए कुछ नहीं है बेटा, ये पानी से ही रोजा रख ले बेटा। ठीक है अब्बू, पानी से ही रोजा रख ले, लेकिन अफ्तारी में आप फल जरूर लाना। ठीक है बेटा, मैं अफ्तारी में तेरे लिए फल जरूर लाऊंगा बेटा, पानी पी ले बेटा। बेटा रेहान। जी अब्बू। बेटा तूने बोला था कि अफ्तारी में तेरे को फल चाहिए, तू फल खाएगा। मैं जा रहा हूँ बेटा, तेरे लिए आज अफ्तारी में फल लेके आऊंगा मेरी जान। ठीक है बेटा, मैं निकलता हूँ। सब उठा उठा के डालो वहाँ। भैया कुछ काम मिलेगा भैया? फिलहाल पे अभी काम नहीं है। मुझे काम की सख्त जरूरत है भैया, मुझे काम दे दो भैया। आप जो बोलोगे वो मैं सब कर लूंगा, मुझे सिर्फ काम की जरूरत है, मुझे काम दे दो भैया। ठीक है, ईटर मत्ती अंदर डालो और कपड़े उतार कर काम करो। भैया मैंने आपका सारा काम कर दिया भैया, पूरा काम हो गया। मेरी मजदूरी दे दो भैया मुझे आप। ये लो अपने 100 रुपए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। मैं आज अपने बच्ची के लिए अफ्तारी लेके जाऊंगा। भैया ये आम अनार और ये केला पैक कर दो भैया। ये अनार और आम, चलो ये पैक करो। कितने पैसे हुए भैया? 300 रुपए। 300 रुपए? भैया 300 रुपए तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 100 रुपए हैं भैया। इतना सारा सामान 100 रुपए में मिलेगा क्या? 100 रुपए में जितना सामान आ जाए उतना ही सामान दे दो भैया मुझे। ठीक है 100 का कर देता हूँ। अरे अब्बू आ गए। अरे बेटा ये किसने लाया बेटा? एक भाईजान आए थे अब्बू, बोल रहे थे कि आपने भिजवाया है। उस भाई को जो जो चाहिए था वो सब पैक कर दो। जी भाई। ले बेटा। आप कौन? ये तो मैंने अपने अब्बू से मंगाया था। बेटा ये तेरे अब्बू ने ही भेजा है। अच्छा, ये मेरे अब्बू ने भेजे हैं। जा बेटा अफ्तार का वक्त हो रहा है। शायद अल्लाह का कोई नेक बंदा आया होगा बेटा, उसी ने ये सब चीजें भिजवाई है। बेशक अल्लाह तू बहुत बड़ा है।